हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अम्बाला शहर स्थित जननायक जनता पार्टी के जिला कार्यालय ताऊ देवी लाल भवन पर जननायक जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक जिला अध्यक्ष दलबीर सिंह पुनिया की अध्यक्षता में हुई। इसमें जिजपा संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई और इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के अम्बाला कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की गई। इसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रमों को हमेशा की तरह सफल बनाने पर विशेष रणनीति भी बनाई गई। इस मौके पर पार्टी की ओर से पदाधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारियों पर पार्टी हाईकमान का धन्यवाद किया गया और पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने जजपा का दामन थामा, जिनका पार्टी पदाधिकारियों की ओर से स्वागत किया गया। इस मौके पर नगला का सरपंच तेजिंदर सिंह, छपरा से सरपंच कुसुम देवी, गांव गोला से सरपंच जसप्रीत कौर, गांव टपरियों से सरपंच अशोक कुमार, गांव केशवपुर से सरपंच साहिल खान, गांव अल्लाहपुर से सुखजीत कौर ने जननायक जनता पार्टी में आस्था जताई। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव सुरजीत सिंह सोड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष बलिंदर लड़ा, हरपाल कंबोज, हरकेश सुल्लर, मनदीप बोपाराय, बलकार संगवाल, चूहर सिंह, अमरिंदर सोटा, लकी जलबेड़ा, विनोद फौजी, तेजिंदर सिंह नेहरा, प्रवीण कुमार, साहिल खान, मनमोहन सिंह सरपंच, जसविंदर सिंह, सुनील कुमार, बंटी कुमार, मोहित राणा, भूपेंद्र, सुखविंदर कुमार, उदय सिंह, रामचमन सिंह, हरमन सिंह, सौम्या सिंह, तरसेम सिंह, राजेश कुमारी, सरोज लूथरा, ज्योति जसवंत सिंह और वीरचंद समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अम्बाला से हमारे एडिटर चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।